तो भैया देखो, जैसा कि आप सबको पता है, दिवाली आ चुका है और आप सब दिवाली पोस्टर बनाना चाहते हो अपने मोबाइल से, जिसमें आपका सुंदर फोटो हो और उसमें आपका प्यारा नाम भी लिखा हो। जब व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ तो हर कोई जब आपके पोस्टर को देखेगा तो सीधा आपको भी टेक्स्ट मैसेज में वो दिवाली की बधाई ज़रूर देगा। और जब आपका कोई पोस्टर देखेगा उसके मुँह से यही बात निकलेगी, भाई मेरे लिए भी बना देना। फिर आपको डिसाइड करना है कि बनाना है या उस बंदे को ये वाली वीडियो शेयर करना है, ताकि वो भी आसानी के साथ बना सकेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक सुंदर दिवाली वाला पोस्टर कैसे बनाते हैं। और इस पोस्टर को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने सारा काम आपके लिए पहले से ही कर दिया है। आपको बस अपना एक PNG फ़ोटो बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। PNG फ़ोटो बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा सा फ़ोटो हो, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके का कोई फ़ोटो है, इसे आपको PNG बनाना है, मान लीजिए बैकग्राउंड में मतलब ऐसा इरेज नहीं है, इसे PNG बनाना है। तो PNG बनाने के आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, गूगल पर जाना है, यहाँ पे लिखना है BG रिमूव करेंगे और रिमूव इमेज बैकग्राउंड पे जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ब्राउज़ पर क्लिक करना है और गैलरी में जिस फ़ोटो को आपको PNG बनाना है, एग्जाम्पल के लिए मैं इस लड़के का बनाना चाहता हूँ, तो इस लड़के को मैंने सेलेक्ट करा। यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 सेकंड में यहाँ पे देखो इसका बन जाएगा। फिर ये वाली फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी, डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो टेम्पलेट बना रखी है हैप्पी दिवाली वाली, वो टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के डाउनलोड कर लेना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो नीचे डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे ना, जो टेम्पलेट आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है पिक्सल लैब। और ये दोस्तों पिक्सल लैब आप जो है प्ले स्टोर पर आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पर लिख लेना है पिक्सल लैब। और जब आप पिक्सल लैब लिखोगे ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी फर्स्ट में दोस्तों। जब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको बीच से इसको कट कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रोफाइल, तो अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद जब आपका यहाँ से ये हटा देना लेटर को, उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है, गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से जो फाइल आपने डाउनलोड करी है ना, जो मैंने यहाँ पे देखिए टेम्पलेट ये वाली दी थी, ये वाली टेम्पलेट मैंने दी थी, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद इससे दोस्तों ऐसा पूरा फिल कर लेना है, मतलब पूरा मैं कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा है दीपावली हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, और यहाँ पे कुछ लिखा है दीपावली की हार्दिक बधाई है और शुभकामनाएं। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, गैलरी पर क्लिक करना है, अपना यहाँ पर जो आपने PNG फ़ोटो बनाया है डाउनलोड करा है वो वाली फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस साइड में कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे ला करके मैं यहाँ पे इसे चिपका देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया, अभी कितना टाइम लगा मेरे को बनाने में, ये मेरा फ़ोटो भी लग चुका है। और बस आपको क्या करना है, फ़ोटो को सिलेक्ट करके इस बीच वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहते हो तो यहाँ पे शैडो दे सकते हो। शैडो देने से क्या होता है, थोड़ा और कमाल का बन जाता है। यहाँ पे वाइट रेड कलर का देना, अच्छा लगेगा। प्लस पर फिर से क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ पे अपना प्यारा सा नाम लिख देना, जो भी आपका नाम होगा। तो एग्जांपल के लिए ये भाई साहब का नाम है टेक्निकल योगी, तो मैं यहाँ पे इन्हें जो लोग जानते होंगे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन जानता है, तो मैं टेक्निकल योगी लिख देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको छोटा कर लेना है और इस तरीके से लगा लेना है, मतलब अब टेक्निकल योगी भाई का यहाँ पे एक बैनर बन गया है, पोस्टर बन गया है। अब ये अपने व्हाट्सअप पे, अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ भी ये चीज़ लगाएंगे ना, तो सबको हैप्पी दिवाली का जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से आप चुटकियों में बना सकते हो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो भाई अगर इस वीडियो में आपको सच में कुछ सीखने को मिला हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।